हुई उसे देश में किसी ट्रेन में हुई अब तक की सबसे बड़ी डकैती माना जा रहा है। फिल्मी स्टाइल में ट्रेन के डिब्बे की छत काटकर लुटेरे पूरे 5,78,00,000 रुपए उड़ा ले गए। ट्रेन में सुरक्षा के लिए 18 अफसर तैनात थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ट्रेन जब अपनी मंजिल तक पहुंच गई, तब जाकर लूट का खुलासा हुआ और देखने वालों के होश उड़ गए। यही है वो कटी हुई छत का हिस्सा जहां से पूरे 6,46,00,000 रुपए छूमंतर हुए। अब छत से ही उतरकर अधिकारी जानने में जुटे हैं कि लूट को अंजाम कैसे दिया गया। सोमवार रात 9 बजे सेलम से चेन्नई जाने वाली सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस रवाना हुई। पूरा सफर करीब 350 किलोमीटर का है। इस रास्ते में सेलम और विरधाचलम के बीच 138 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जहां रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, मतलब इस हिस्से पर ट्रेन बिजली से नहीं डीजल से चलती है। ये दूरी 3 घंटे की है, मतलब 3 घंटे में छत काट कर पैसे उड़ा ले गए लुटेरे। ट्रेन में कोच में जिस जगह पर छत को काटा गया है वहां इलेक्ट्रिक केबल होती है। जिस कोच की छत काटी गई उसमें रिजर्व बैंक के 342 करोड़ रुपए के कटे फटे नोट थे। ये रुपए 225 बॉक्सेस में रखे थे, इन्हें जमा करने के लिए चेन्नई लाया जा रहा था। बदमाशों ने ट्रेन की छत को गैस कटर से करीब 2 स्क्वायर फीट के बराबर काटा। इतना बड़ा छेद किया कि एक शख्स आराम से अंदर जा सके और बाहर निकल सके। ट्रेन की छत कट गई, 6,46,00,000 बंद डिब्बों से निकल गए। लेकिन पता चला जब ट्रेन मंगलवार सुबह चेन्नई इग्मोर स्टेशन पर पहुंची, रिजर्व बैंक के अधिकारी ने कोच खोला तो अंदर की तस्वीर ने उसके होश उड़ा दिए। नोटों से भरे 225 बॉक्सेस में 4 बॉक्स टूटे मिले। इनमें से एक बॉक्स से पूरा पैसा गायब था, दूसरा बॉक्स आधा खाली था, जबकि तीसरे और चौथे बॉक्स का पैसा बिखरा हुआ था लेकिन गायब नहीं था। पुलिस के मुताबिक इस बॉक्स को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इसमें कम पैसा था। फोरेंसिक टीम और पुलिस मिलकर जांच में जुटी हैं ताकि लूट का कोई सुराग हाथ लग सके। ये पैसा कई प्राइवेट बैंकों का था और रिजर्व बैंक में जमा करने के लिए चेन्नई लाया गया था। पीएफ हैज रजिस्टर्ड द केस, आरपीएफ अस्पर देयर एक्ट दे हैव रजिस्टर्ड द केस एंड रेलवे पुलिस एंड लोकल पुलिस ऑल आर विद देम टू डिटेक्ट द केस क्विकली। हैरानी की बात यह है कि अफसर और जवानों समेत 18 लोग ट्रेन में 342 करोड़ रुपए की सुरक्षा कर रहे थे। हालांकि इनमें से एक भी उस पार्सल कोच के अंदर नहीं था जहां पैसा रखा हुआ था। मामला चौंकाने वाला है, लेकिन इतना तय है कि पूरी प्लानिंग के साथ बेहद शातिर लोगों ने लूट को अंजाम दिया है।